हे व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है सुब्रत और आप देख रहे हैं कस्टम टेक रिव्यूज। फाइनली हम लोग के पास यहाँ पे डिफाई की तरफ से एक न्यू TWS यहाँ पे आ चुका है जो अभी रिसेंटली यहाँ पे लॉन्च हुआ है। डिफाई ग्रेविटी प्रो इसका नाम है और इसकी प्राइसिंग 1400 रुपये है, बट 1400 रुपये के हिसाब से काफी कुछ अपने साथ ये प्रोवाइड करता है। डिटेल ये रिव्यू होने वाला है डिफाई ग्रेविटी प्रो का, एंड आप लोग को पूरा यहाँ पे अंदाजा लग जाएगा कि 1400 रुपये के हिसाब से ये वर्थ इट है या फिर कोई और TWS आप लोग को लेना चाहिए। एंड गाइस, अगर चैनल पे नए हो, कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर से कर सकते हो। बढ़ते वीडियो की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे मैं बिल्ड क्वालिटी से स्टार्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं केस की बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करूँ तो काफी नॉस्टैल्जिया फील आपको पूरा ला कर देगा। बहुत पहले नोकिया के फोन आते थे, आपको अगर याद हो तो कुछ स्लाइडिंग मैकेनिज्म यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलता है, तो काफी कूल से लुक है। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी प्रीमियम सी आप लोग को फील लाकर पूरा देता है। डेफिनेटली 1400 रुपये का प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं लगता, काफी प्रीमियम सा प्रोडक्ट आप लोग को फील होगा। इसमें आप लोग को स्लाइडिंग मैकेनिज्म देखने को मिलेगा जो कि कुछ इस तरीके से वर्क करता है, एंड आप लोग इसे सिंगल हैंडेड भी यूज कर सकते हो तो इसमें कोई भी इशू नहीं आते हैं। बाकी वहीं पर मैं केस के फिजिकल ओवरव्यू की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग ऊपर में डिफाई की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, यहाँ पूरा आप लोग को ग्लॉसी टाइप का फिनिश देखने को मिलता है। नीचे की तरफ यहाँ पे आप लोग को LED इंडिकेशन देखने को मिल जाती है, एंड पीछे की तरफ आए तो यहाँ पे आप लोग को टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलता है। प्लस अगर आप लोग जैसे ही इसके ऊपर के लिड को स्लाइड करोगे यहाँ पे स्लाइडिंग मैकेनिज्म देखने को मिलता है, यहाँ पे आप लोग को एयरबड्स रखे हुए देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे मैं एयरबड्स की डिजाइन की अगर बात करूँ तो एयरबड्स का डिजाइन भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लोग को एयरपॉड्स जैसे डिजाइन कुछ कुछ देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप लोग को डिफाई की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। नीचे की तरफ आप लोग को कुछ पिन्स देखने को मिलता है जिससे कि चार्जिंग इसका होगा, एंड आप लोग को यहाँ पे हाफ इन एयर टाइप का डिजाइन देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छा रहता है। एंड फिटिंग वगैरह की अगर बात करो तो कान में बिल्कुल आराम से फिट हो जाता है। आप लोग देख ही सकते हो कि कुछ इस तरीके से मेरे कान में ये फिट हो रहे हैं, बट डेफिनेटली मैं इसे जिमिंग के लिए उतना रिकमेंड नहीं करूंगा, बट स्टिल फिटिंग जो है बहुत सही रहती है और काफ़ी लाइट वेट है। डेफिनेटली अगर आप लोग इसे लॉन्ग टर्म तक पहनना चाहते हो तो बिल्कुल पहन सकते हो, कोई भी इशू आप लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। प्लस यहाँ पे आप लोग को ईच ईयरबड में आप लोग को 2 माइक्स देखने को मिल जाएंगे, मतलब यहाँ पे आप लोग क्वाड माइक का सपोर्ट देखने को मिलता है। जिसकी वोकल क्वालिटी की अगर मैं बात करता हूँ वो वीडियो के आगे बात करूंगा। थोड़ी सी डिजाइन की बात करूँ तो केस और थोड़ा अगर सा छोटा रहता तो ज़्यादा कंफर्टेबल होता पॉकेट में, थोड़ा सा बड़ा है जिसके कारण आप लोगों को बैटरी लाइफ भी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। बट कनेक्टिविटी में आप लोगों को ब्लूटूथ वर्सन 5.3 का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो आई हैव टू से कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर ब्लूटूथ वर्सन 5.3 इन लोगों ने प्रोवाइड करा है। मैंने यहाँ पे 5,500 तक के भी TWS रिव्यू कर रखे, उसमें भी आप लोग को ब्लूटूथ वर्सन 5.2 तक ही देखने को मिलता है, बट इसमें 5.3 है। तो कनेक्टिविटी से रिलेटेड मुझे कोई भी इशू फेस नहीं किया मैंने इतने दिनों के यूसेज में। इसके अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो इसमें आप लोग को 13 mm के ड्राइवर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि काफ़ी लाउड है मेरे हिसाब से, बट स्टिल अगर थोड़ी सी ज़्यादा लाउडनेस होती तो और भी अच्छा होता, बट स्टिल जितना भी लाउड है काफ़ी सही है। इसके अगर मैं साउंड सिग्नेचर्स की बात करूँ तो ओवरऑल जो पूरा साउंड है वो बैलेंस तरीके का देखने को मिलेगा, जो हाईज एंड मिड्स है वो भी काफी अच्छे तरीके से बैलेंस करे गए हैं, एंड जो वोकल्स है वो भी क्लियर है। बट इसमें जो बेस है थोड़ा सा यहाँ पे कम लगा, और थोड़ा बेस होता तो ज्यादा अच्छा था, बट जितना भी ये सफिशियंट है एंड ट्रैवल्स थोड़े से यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। बट ओवरऑल यहाँ पे मैं अगर साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो साउंड क्वालिटी काफी हद तक अच्छी देखने को मिलती है। डेफिनेटली 1400 रुपये के हिसाब से डेफिनेटली काफी अच्छा साउंड करता है ये। इसमें आप लोग को ईच ईयरबड में 2 माइक्स देखने को मिलते हैं, तो आप लोग को मैं अभी कॉल सैंपल सुनाने वाला हूँ तो आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी कॉल क्वालिटी कैसी रहती है। आवाज कैसा है? सही आ रहा है? हाँ भाई, एकदम प्रॉपर आ रहा है। बोल रहे बॉयज का सीजन 3 का ट्रेलर आ गया था। बॉयज का? हाँ भाई, सीजन 3 का ट्रेलर आ गया। कब रिलीज? अभी तो कब रिलीज? जून 3। कॉल क्वालिटी के मामले में मैं अगर यहाँ पे कहूँ तो मेरे हिसाब से 2000 के ईयरबड्स जो आते हैं उसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे टक्कर दे देता है। लाइक प्रीवियसली मैं ओपो इनको बड्स यूज़ कर रहा था तो उससे मुझे ये इसका साउंड बेटर लगा कॉलिंग के दौरान। कि यहाँ पे चार्जिंग एंड बैटरी लाइफ की बात की जाए तो इसमें आप लोग को फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है जिसको ब्रिज चार्जिंग कह के बुला रहा है यहाँ पे डिफाई। इसमें आप लोग को 10 मिनट अगर आप लोग इसे चार्ज करोगे तो आप लोग को 3 घंटे का प्लेबैक देखने को मिलेगा, तो ये भी काफ़ी सही चीज़ है। और ओवरऑल यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है कि आप लोग को ईयरबड्स का जो पूरा केस है इसके साथ आप लोग को 25 घंटे का बैटरी बैकअप आप लोग देखने को मिलेगा। बट मेरे यूजेज के यहाँ पे अगर बात करो तो आप लोग अगर 80% वॉल्यूम पे सुनोगे तो 20 से 22 घंटे का आप लोग को बैटरी बैकअप आराम से इसमें निकाल देगा। अगर आप लोग 50-60% वॉल्यूम पे सुनोगे तो डेफिनेटली 25 घंटे चल जाएंगे, बट स्टिल 50-60 पे कोई भी नहीं सुनता, 80% सफिशियंट है। 80% वॉल्यूम पे अगर आप लोग इसे सुनोगे तो 20-22 घंटे आराम से चल जाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। इसकी अगर मैं IP रेटिंग की बात करूँ तो इसमें आप लोग को IPX4 की रेटिंग देखने को मिलती है, तो इसको पहन के डेफिनेटली आप लोग जिम वगैरह जा सकते हो। बट देख लेना कि अपने कान के हिसाब से अगर आप लोग का कान में सही तरीके से फिट आता है तो डेफिनेटली इसे जिमिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, कोई भी इशू देखने को नहीं मिलती है। आई हैव टू से कि इसमें और एक एड ऑन फीचर देखने
देखने को मिलता है, लाइक इसमें आप लोग को टर्बो मोड करके गेमिंग मोड देखने को मिलता है, जिसकी अगर मैं लेटेंसी की बात करूँ तो 50 ms तक की लो लेटेंसी तक ये चल जाता है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ है अगर आप लोग एक गेमिंग के लिए एयरबड ढूंढ रहे हो जिसकी साउंड क्वालिटी भी अच्छी हो और गेमिंग भी हो जाए आपकी, तो इसे बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। 1400 रुपये के हिसाब से काफ़ी कुछ ये अपने साथ प्रोवाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली 50 ms की लो लेटेंसी काफ़ी सही तरीके से वर्क कर जाती है, तो बिल्कुल इसे यूज़ कर सकते हो। सो गाइस अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन वाले पार्ट में, तो क्या आप लोगों को 1400 रुपये के हिसाब से ये वाला TWS लेना चाहिए? तो मेरे हिसाब से, एंड जो ये एयरबड निकाला है काफ़ी प्रो लेवल का निकाला है, इसमें ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लाइक टर्बो मोड है, फास्ट चार्जिंग है, एंड जो साउंड क्वालिटी ओवरऑल वो भी काफ़ी अच्छी है। सो अगर आप लोग एक 1500 या फिर 2000 के अंदर अंदर हाफ इन ईयर टाइप का डिज़ाइन वाला TWS ढूंढ रहे हो तो बिल्कुल इसे चेकआउट कर सकते हो। एंड इसी तरह के और भी रिव्यूज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। एंड हाँ गाइज, मैंने मोटो G52 को भी ऑर्डर कर दिया है, काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे कि उसका रिव्यू लेके आओ, हमें देखना है, तो उसके लिए स्टे ट्यून करना। एंड मैं मिलता हूँ आप सभी से और एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, पीस आउट।